वहीं केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि यह देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और कांग्रेस तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसने देश के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया है और अपनी भूमिका निभाई है। देखिए, कोई भी सियासत करे, ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है और आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओबीसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टिकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है।